गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम क्या सीखेंगे? कैपिटल कर्सिव अल्फाबेट, इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ए फॉर एप्पल। अभी तक के हमने सिर्फ कैपिटल लेटर्स लिखे हैं और स्मॉल लेटर्स, पर कर्सिव नहीं लिखे। तो ए कैसे लिखना है देखो, ऐसा यहाँ से ऐसा टेढ़ा लाइन, फिर ऐसा स्लैंटिंग लाइन, नेक्स्ट स्लैंटिंग लाइन, और यहाँ से ऐसा गोल। तो ये अपना क्या बन गया? ए। नेक्स्ट क्या है? बी। बी फॉर बॉल। बॉल, बॉल कैसे लिखेंगे? ऐसा पहले एक लाइन खींचेंगे, उसको ऐसा गोल करके, हाथ नहीं उठाना है, ऐसा करके, फिर ये कप, दूसरा कप, ऐसा यहाँ से थोड़ा सा गोल दे देना है। ये क्या बन गया? कर्सिव के बी, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्या है? सी। सी फॉर कैट। कैट कैसे लिखेंगे? ऐसा, हाथ उठाना नहीं, ऐसे करके, ऐसा सी। ये क्या है? सी फॉर कैट। उसी तरह से डी। डी फॉर डॉग। डॉग कैसे करना है? स्लैंटिंग लाइन, यहाँ से थोड़ा सा गोल देना है, फिर ये कप, ये ऊपर से, यहाँ से थोड़ा सा गोल, ये बन गया डी। नेक्स्ट क्या है? ई। ई फॉर एग। एग कैसे लिखेंगे? ऐसा, यहाँ से हाथ, यहाँ से गोल, कप, नेक्स्ट कप, ये बन गया ई। ई फॉर एग। फिश। एफ फॉर फिश। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ से उल्टा लें, यहाँ से ऐसा लाइन, फिर नीचे जाना है, ऐसा यहाँ रुक जाना है, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचना है, दिस इज फॉर एफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स कैसे करना है? यहाँ से ऐसे गोल देना है, फिर ये पूरे फोर लाइन में लिखना है, यहाँ से फोर लाइन में जाके इस तरह से इसको गोल करना है। तो ये क्या बन गया? जी। नेक्स्ट क्या है? एच। एच फॉर, एच फॉर हाउस। तो हाउस को कैसे लिखेंगे हम? हम जैसे एच लिखते थे वैसा ही है, सिर्फ इसको क्या करना है? जोड़ना है थोड़ा सा। यहाँ से टेढ़ा लाइन, फिर ये, फिर इसको यहाँ से ऐसा, और ये यहाँ से गोल, ये सब क्या बन गया? एच।